नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने 155 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। आज बजट सत्र में वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। पटना हाईकोर्ट ने की फर्जी डिग्रियों पर नियुक्त शिक्षकों के मामले पर सुनवाई। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुई चुनाव की घोषणा। सीएम नीतीश के सामने जीता नाम मांझी ने खाई कसम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने 155 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के कुल मिलाकर 155 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से LLB की डिग्री हासिल होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बजट सत्र में वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। बीते दिन यानी कि सोमवार से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, जो कि 5 अप्रैल तक चलने वाली है। बता दें कि आज वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। मालूम हो कि ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही रोजगार और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष की ओर से महागठबंधन सरकार को 10 लाख रोजगार देने के वादे और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसका सही जवाब और साथ ही महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों तथा वादों को भी घेरने की तैयारी कर रही है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। बता दें कि इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1963 में हुई थी। मालूम हो कि इनकी गिनती उन भारतीय नेताओं में की जाती है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के साथ ही राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। वर्ष 1957 में वे दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह वे भारत के एक मात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद प्राप्त किया था। उन्हें सन 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुई चुनाव की घोषणा। बीते दिन अधिसूचना जारी कर बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 सीटों पर चुनाव 31 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक करवाया जाएगा और वोटों की गिनती 5 अप्रैल को की जाएगी। वहीं इसको लेकर अधिसूचना 6 मार्च को जारी की जाएगी। इसको लेकर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 13 मार्च तक निर्धारित की गई है, जबकि स्क्रूटनी की तारीख 14 मार्च है। इसके अलावा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 मार्च तक निर्धारित की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधान परिषद के अंदर 4 MLC का कार्यकाल 8 मई को खत्म होने वाला है, जिसमें सारण स्नातक क्षेत्र, गया स्नातक क्षेत्र, गया शिक्षक क्षेत्र और कोसी शिक्षक क्षेत्र के सीट शामिल है। वहीं एक सीट सारण शिक्षक क्षेत्र के सीट पर उपचुनाव होना है, जो केदारनाथ पांडे के निधन से खाली हो गया था। लीची के साथ गेहूं व मकई को लेकर एडवाइजरी जारी। राज्य में बढ़ते गर्मी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अचानक मौसम में बदलाव होने से आम और लीची के मंजरों को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, लेकिन साथ ही रबी फसल अंतर्गत गेहूं और मक्के के उत्पादन में भी 10% तक की कमी आ सकती है। बता दें कि ऐसी आशंका को लेकर पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार के द्वारा गेहूं, मकई, आम और लीची के उत्पादक किसानों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि तापमान में वृद्धि होने के कारण गेहूं के उत्पादन में 6-10% की कमी हो सकती है और साथ ही मौसम का असर आम और लीची के उत्पादन में भी दिख सकता है। इसके अलावा मधुआ कीट एवं सूती मोल्ड फफूंद का भी प्रकोप बढ़ने की संभावना है, जिस वजह से फल कम आ सकते हैं और साथ ही मिठास में भी कमी आ सकती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे इको पार्क के बारे में। बिहार की राजधानी पटना में स्थित मनोरम स्थलों में से एक राजधानी वाटिका है। इसे इकोलॉजिकल पार्क या इको पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पटना का इको पार्क शहर के शोरगुल और प्रदूषण से दूर हरियाली से भरा हुआ बहुत ही शांत स्थान है। यहां की शुद्ध हवा, चिड़ियों का मधुर स्वर में कलरव और चारों तरफ की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यहां पौधों की करीब 3,000 प्रजातियां मौजूद है, इसलिए ये पार्क सुबह सैर करने वालों की पहली पसंद है। इको
पार्क में टहलने के लिए करीब 1,445 मीटर का मार्ग, 1,191 मीटर का जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम और बच्चों को खेलने के लिए दो झूला पार्क भी बनाया गया है। यहाँ पर दो झीलें हैं जो कि एक एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। यह पार्क पटना की एक मॉडर्न छवि को पेश करता है। बजट सत्र में वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बीते दिन बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा सदन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अभिभाषण के बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का रिपोर्ट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री ने सदन में सभी को कहा कि बिहार पूरे देश में 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में तीसरे स्थान पर रहे और जो भी दो राज्य बिहार से आगे हैं उसका अंतर भी बिहार से काफी कम है। उन्होंने कहा कि हमारे बिहार के पास बाकी राज्यों की तुलना में सीमित संसाधन है। 21-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 6,400 बढ़ा है। इसके साथ ही बिहार में रोड का भी घनत्व बढ़ रहा है और अभी प्रति हजार किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 3,167 है। राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि बिहार में महिलाओं का आत्मबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम महामारी से उभर कर देश में तीसरे नंबर पर है। बिहार का विकास दर 2021-22 में 10.98% है जो कि राष्ट्रीय विकास दर से 8.68% ज्यादा है। बिहार के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन इन विश्वस्तरीय सुविधाओं से होगा लैस। यात्रियों को स्टेशनों पर उन्नत व अत्याधुनिक सुविधा और सुखद एहसास हो सके इसके लिए देश के विभिन्न स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी शामिल हो गया है जिसका पुनर्विकास किया जाएगा और इस स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बता दें कि इस स्टेशन के पुनर्विकास में दो चरणों में कुल 234 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी जिसमें खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही पुनर्विकास के इस काम में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सौर ऊर्जा का उपयोग एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधा का भी प्रावधान है। पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। बता दें कि इसके लिए निविदा जारी की जा चुकी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए सूबे के 27 पंचायत शामिल। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें देश के उन पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है जो अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय पंचायत 2023 के लिए सूबे से कुल 27 पंचायतों का बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए चयन किया गया है जिसमें से 19 पंचायत ऐसे हैं जो केवल बांका जिले के हैं यानी कि इस सूची में आधे से ज्यादा पंचायत बांका के शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले प्रखंड स्तर पर नामों का चयन किया जाता है और फिर जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर राज्य स्तर पर सूची तैयार कर पंचायती राज मंत्रालय को भेज दिया जाता है जिसके बाद अंतिम स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा राज्य स्तर पर सूची तैयार करके जारी कर दी जाती है। पटना हाई कोर्ट ने की फर्जी डिग्रियों पर नियुक्त शिक्षकों के मामले पर सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के एसीजे जस्टिस सीएस सिंह के द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की बहाली मामले को लेकर दाखिल की गई रंजित पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे कार्रवाई रिपोर्ट तलब करें। बता दें कि इससे पहले कोर्ट के द्वारा वर्ष 2014 में इस मामले पर सुनवाई करते हुए उन शिक्षकों को अवसर दिया गया था जिनके पास जाली डिग्री थे और कहा गया था कि वे खुद अपना इस्तीफा दे दें। लेकिन वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद फर्जी शिक्षक कार्यरत है और वेतन ले रहे हैं जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को निगरानी विभाग को सौंप दिया था। लेकिन जब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी 2020 में की गई तो यह पाया गया कि आज भी 1,10,000 से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिसके बाद कोर्ट ने संबंधित विभागीय सचिव से हलफनामा दायर कर स्थिति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। वहीं अब बीते दिन इस मामले की सुनवाई की गई और राज्य सरकार से कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया गया। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2023 को की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने खोला अपना राज। आज के समय में बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज वह अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड की दुनिया में एक अलग मुकाम पर है। वहीं इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म गुलमोहर का प्रमोशन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया कि उनकी फिल्म सत्या के बाद उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई थी। हालांकि फिल्म सत्या के हिट होने के बाद लोगों के मन में भीकू महात्रे का किरदार फिट हो गया था जिस वजह से मुझे सभी सिर्फ
विलन के किरदार ही देने लगे। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया कि उनकी फिल्म सत्या के बाद उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई थी, क्योंकि फिल्म सत्या के हिट होने के बाद लोगों के मन में भीकू महात्रे का किरदार फिट हो गया था, जिस वजह से उन्हें सिर्फ विलन के किरदार ही दिए जा रहे थे, लेकिन वे उस इमेज में बंधकर नहीं रहना चाहते थे और अलग किरदार करना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कई प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, जिसके बाद उन्हें लगभग 8 महीने तक बेरोजगार रहना पड़ा था। गूगल से हाथ मिलाएगा पटना मेट्रो। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए दिल्ली मेट्रो की तरह ही पटना मेट्रो भी गूगल से हाथ मिलाने जा रहा है। बता दें कि इसके बाद यात्री गूगल मैप की सहायता से मेट्रो का रूट और किराए की भी जानकारी ले पाएंगे। इसके अलावा यात्रियों को गूगल मैप की मदद से अपने नजदीकी मेट्रो स्टेशन और वहां पहुंचने की जानकारी भी मिल सकेगी। मालूम हो कि इसके लिए पटना मेट्रो अपना एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगा, जहां यात्रियों को मेट्रो से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि यात्रियों को मेट्रो से जुड़ी जानकारी पाने के लिए अपने मोबाइल पर किसी तरह का अन्य ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा, क्योंकि वह मोबाइल पर मौजूद गूगल ऐप की मदद से भी जानकारी ले पाएंगे। बिहार में बदल रहा मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है, तो कभी बादल छाने से हल्की ठंड का एहसास होने लगता है। फरवरी अब जाने वाली है, लेकिन रात और दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। खास तौर से रात और सुबह के समय तो हल्की ठंड का असर अभी भी बना ही है। हालांकि दिन में जिस तरह से ज्यादातर जिलों में तापमान ऊपर जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि गर्मी ने दस्तक दे दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सूबे में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप होगी, लेकिन रात में ठंडी हवा से तापमान में गिरावट नजर आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम पूरी तरह से सामान्य बना रहेगा। हस्तशिल्प और पारंपरिक कला के कदरदान के लिए बिहार में यहां लगा है शिल्प बाजार। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जो हस्तशिल्प और पारंपरिक कला में रुचि रखते हैं और इस तरह की कलाओं के कदरदान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के राम दयालु सिंह कॉलेज में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और आम्रपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहुराज्यीय सहकारी समिति पटना के द्वारा गांधी शिल्प बाजार आयोजित किया गया है, जो कि 5 मार्च तक चलने वाला है। मालूम हो कि इस बाजार में आपको कुल 100 दुकानें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको दूसरे राज्यों की कला से रूबरू कराती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मेले में मधुबनी की फेमस पेंटिंग, पट्टी, कंथा, लाह की चूड़ी, हैंड ब्लॉक, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद, सूजनी समेत कई चीजें उपलब्ध है जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपने आधार कार्ड से जुड़े हिस्ट्री को ऐसे करें चेक। आज के दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान होने के साथ एक ऐसी दस्तावेज बन गई है, जिसके न होने से हम अपने किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा आधार कार्ड किसी गलत हाथों में चला जाता है और वह व्यक्ति हमारे आधार कार्ड का दुरुपयोग करने लगता है, जो हमें मुसीबतों में फंसा सकता है। अगर आपको शक है तो आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और फिर आपको आधार सर्विसेज के नीचे आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आधार नंबर और सुरक्षा कोड को दर्ज कर दे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दे। इसके बाद ओटीपी दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करे और मांगी गई सारी जानकारी को भरकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दे, जिसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आप पिछले 6 महीने में आधार के हिस्ट्री को देख सकते हैं। सीएम नीतीश के सामने जीतनराम मांझी ने खाई कसम। बीते दिन बजट सत्र के खत्म होने के बाद महागठबंधन विधान मंडल दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने अपनी मां की कसम खाई और कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, इसलिए मैं आज अपनी मां का कसम खाता हूं और कहता हूं कि मैं नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने नीतीश राज की अफसरशाही पर सवाल खड़े किए और कहा कि अफसर मनमानी करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही एक बार फिर सब पहले जैसा हो जाता है। इसके साथ ही विधायकों की शिकायत पर भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन महागठबंधन विधान दल की बैठक में सभी 7 घटक दल के विधायक विधान परिषद शामिल हुए और कई विधायकों ने अपनी बातें भी रखी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तेजस्वी का बयान।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट कर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी आश्चर्यजनक नहीं। सीबीआई ईडी जैसी संस्थाएं अब स्वायत्त नहीं बल्कि बीजेपी के अनुषांगिक संगठन है। हमारी पार्टी और हम तो शुरू से ही इनके निशाने पर रहे हैं। विपक्ष के सभी दलों को एकताबद्ध होकर इन संस्थाओं के स्वायत्त चरित्र की बहाली का आंदोलन करना चाहिए। वहीं जब तेजस्वी यादव से सुधाकर सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सुधाकर सिंह बार बार ऐसा बोल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि वे बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह जो भी बोल रहे हैं वह गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को महागठबंधन के नेतृत्व के लिए सभी लोगों ने चुना है। वह जो बार बार सीएम नीतीश के खिलाफ बयान दे रहे हैं उससे साफ हो गया है कि वह किसी और से गाइडेड हो रहे हैं। इस मामले को लेकर जल्द ही पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी का राज्यपाल के अभिभाषण पर बड़ा बयान। बीते दिन बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम मजबूत विपक्ष के रूप में हैं। हम वैसे विपक्ष नहीं हैं जो पहले सदन छोड़कर चला जाता था। उन्होंने कहा कि हम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की तरह नहीं है कि अगर सदन में हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो हम सदन छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग बीजेपी के सदस्य हैं। हम लोग लगातार सरकार से जवाब मांगेंगे और जब तक सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं देगी हम लोग अपने सवाल को दोहराते रहेंगे। बीजेपी के सदस्य सदन में पिकनिक मनाने नहीं आते बल्कि जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए आते हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बिहार में आप नेताओं का प्रदर्शन। रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे के लंबे पूछताछ के बाद सीबीआई के द्वारा शराब घोटाले मामले में सबूत मिटाने और उसमें छेड़छाड़ करने के आरोप को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद बीते दिन बिहार की राजधानी पटना स्थित बीजेपी ऑफिस के बाहर आप यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनीष सिसोदिया को रिहा करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं के द्वारा यह भी कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2024 चुनाव को लेकर सिसोदिया और केजरीवाल से डरी हुई है, यही वजह है कि बीजेपी ये सब करवा रही है। इसके साथ ही सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है और केवल उसके इशारे पर ही काम करती है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है उसे दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। चिराग पासवान ने बिहार की राजधानी में किया बड़ा ऐलान। बीते दिन यानी कि सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनती है तो यहां के जनता को महंगी बिजली से छुटकारा मिलेगी। इसके साथ ही वैसे लोग जो गरीब तबके से आते हैं यूनिट के हिसाब से बिजली पूरी तरह से फ्री में मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह काम बिहार सरकार को करना चाहिए। अगर लोग टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें सरकार की ओर से सुविधाओं की भी अपेक्षा रहती है। अगर इस तरह की कामें मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है तो जिस जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी बनाई थी वही जनता इस बार उनका खाता भी नहीं खुलने देगी। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले सीजन की शुरुआत इस दिन से। बहुत जल्दी महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले सीजन की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि इस लीग की शुरुआत मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबले के साथ 4 मार्च से शुरू हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीजन में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही है जिनमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स शामिल है। मालूम हो कि इन टीमों के बीच 23 दिन में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। वहीं इस लीग के चैंपियन का 26 मार्च को किया जाएगा। वहीं खेले जाने वाले सभी मुकाबले मुंबई के 2 स्टेडियम में खेले जाएंगे जिनमें से 11 मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम और 11 मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। गोवा से पहला ईसाई मिशनरी 1580 में अकबर के दरबार फतेहपुर सिकरी आया। पश्चिम बंगाल में 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव का आविष्कार किया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और इस दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोलकाता का हावड़ा पुल 1943 में शुरू हुआ। ब्रिटेन एवं भारत के बीच 1992 में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का 1865 में जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का 1936 में स्विट्जरलैंड में निधन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का 1963 में निधन हुआ था।
वायरफॉर्म में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर का प्रस्ताव किया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। ट्वीट के साथ संलग्न पत्र वर्ष 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। डिसअपीयर फीचर ऑन होने के बाद ही व्हाट्सएप पर चैट ऐसे रहेगा सुरक्षित। पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पर यूजर्स की सुविधा के लिए एक नया फीचर पेश होने जा रहा है। दरअसल मेटा के चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीट करने के लिए एक खास तरह का फीचर मिलता है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट की माने तो यूजर के लिए नया फीचर कीप मैसेज फ्रॉम डिसअपीयरिंग भी पेश हो रहा है। यानी यूजर अगर चाहे तो फीचर ऑन होने के बाद भी अपने कुछ जरूरी चैट्स को डिसअपीयर होने से बचा सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नए फीचर में यूजर को सुविधा दी जाएगी कि वह अपनी चैट में जरूरी मैसेज को बुकमार्क आइकन की मदद से मार्क कर सके। इसके बाद कैप्ट मैसेज के तहत इन चैट्स को लिस्ट किया जा सकेगा। निफ्टी 17,400 और सेंसेक्स 59,300 के नीचे फिसल कर हुए बंद। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार का कारोबारी सत्र नुकसान वाला रहा। बता दें कि बीते दिन यानी कि सोमवार को BSE सेंसेक्स 175.58 अंक या 0.30% गिरकर 59,288.35 अंक पर और NSE निफ्टी 73.10 अंक या 0.42% गिरकर 17,392.70 अंक पर बंद हुआ। मालूम हो कि निफ्टी पैक में ICICI बैंक, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा, HDFC लाइफ, SBI, BPCL, NTPC, अदानी पोर्ट, SBI लाइफ और एशियन पेंट चढ़कर बंद हुए। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो, UPL, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, हीरो मोटो कॉर्प, TCS और सिप्ला का शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सैफुल्लाह, अनवर करीम खान, विकास दास, बिट्टू कुमार राज, नीतीश कुमार, प्रवीण कृष्णा, मोहम्मद सकीर हुसैन, नरेश राम, अतीक खान, पंकज कुमार दास, मंतोष कुमार, अर्जुन राम, रविशंकर, पिंटू रजक, अमित आनंद, पवन सिंह, सदरुद्दीन अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मियों में आप किस फल को खाना पसंद करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।